गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने ट्रैक डाइक और SCS के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्लास में हम मापक यंत्र स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मेजरमेंट। मेंट, ठीक है, मापन, हेडिंग डाल दीजिए मापन। मापन, अब देखिए कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें क्या होता है कि आपकी जो विद्युतीय मात्राएं हैं उनको हम डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग विधियों से क्या किया, विद्युतीय मात्राओं का मापन किया। तो अब क्या है कि उसको रीड करने के लिए या पढ़ने के लिए किसी भी स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता न हो, यानी बहुत अधिक एजुकेटेड यानी शिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता न पड़े, इसलिए उपकरण को इस प्रकार से निर्मित किया गया कि वो पर्सन आसानी से उसे क्या कर सके, रीड कर सके। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, मापन में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मापन की जो विधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो मापन की विधियाँ, फर्स्ट विधि है आपकी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि आपकी अज्ञात मात्रा होती है उसे ज्ञात के साथ क्या कराई जाती है, तुलना कराई जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास तराजू है, ठीक है, आपके पास क्या है, तराजू है। तो तराजू के एक पलड़े में आपने क्या कर दिया, कोई भी वाट रख दिया स्टैंडर्ड, जैसे 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो, और दूसरी तरफ आपको जो भी वस्तु का मापन करना है, ठीक है, जैसे आपने कोई भी जैसे चीनी ली है तो चीनी तोलना है आपको, तो दूसरे पलड़े में आप उस चीनी को डालते हो। जब दोनों का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो आप लोग क्या कह देते हो कि 1 किलो हो चुका है। तो ये सब किस में आता है, प्रत्यक्ष विधि में आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु के साथ तुलना कराना किस में आता है, प्रत्यक्ष विधि में आता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ज्ञात मात्रा का अज्ञात मात्रा का ज्ञात मात्रा के साथ तुलना कराना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ज्ञात मात्राएं वो होती है क्या होती है, मानक होती है। जैसे 1 किलो आपके पास कोई वाट है, 1 किलो का कोई भी वाट है, उसमें कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो जो 1000 ग्राम इंडिया में होंगे वो दूसरे देशों में भी 1000 होंगे, ठीक है। इसलिए ये मानक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मानक कहलाते हैं। तो इनका हमेशा ध्यान में रखना है कि ये आप यहाँ पर ज्ञात मात्रा भी बोल सकते हो, मानक मात्रा भी बोल सकते हो, यानी अज्ञात मात्रा का मानक मात्रा के साथ तुलना कराना प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। जैसे वजन होता है, वजन, तो वजन को आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो, किस में लेते हो, केजी में लेते हो, ठीक है, या ग्राम में लेते हो। इसी प्रकार लंबाई होती है, लंबाई, ठीक है, तो लंबाई को आप किस में लेते हो, मीटर में लेते हो,
किसमें लेते हो? मीटर में लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि इंडिया में एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो वहां पर दूसरे कंट्री में अलग होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इनको क्या रखा जाता है? आईएसआई के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, इनका मान निर्धारित होता है, भले ही वो इंडिया हो, भले ही ऑस्ट्रेलिया हो, भले ही अमेरिका हो। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि लंबाई को हमेशा किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। इसके अलावा समय, समय है, समय को हम किस में लेंगे? सेकेंड में लेंगे। ठीक है, तो ये किस में आता है? प्रत्यक्ष विधि में। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि अज्ञात मात्रा का मानक मात्रा के साथ तुलना कराना ही क्या होता है? प्रत्यक्ष मापन होता है। इसके अलावा आपका दूसरा आता है अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन, ठीक है, अप्रत्यक्ष मापन विधि, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो क्या कर सकते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि में वजन, लंबाई और समय का मापन कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होती है, विद्युतीय मात्राएं होती है, जिससे क्या है, करंट है आपका, वोल्टेज है, पावर है। तो उसे हम इस प्रकार से तराजू में तोल नहीं सकते कि एक किलो आपका करंट हो गया ले जाइए, या दो किलो हो गया है, या वोल्टेज इतना हो गया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो आपकी विद्युतीय मात्राएं होती है उन्हें प्रत्यक्ष विधि द्वारा मापने नहीं किया जा सकता। इसलिए किसका प्रयोग किया गया? अप्रत्यक्ष मापन विधि का प्रयोग किया गया। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में विद्युतीय मात्राओं का मापन प्रत्यक्ष विधि द्वारा संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, यदि विद्युतीय मात्राओं का मापन करना है आपको, तो कौन सी विधि प्रयोग में लानी होगी? अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग में लानी होगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि विद्युत ऊर्जा को हमेशा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और उसे पॉइंटर और स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, तथा पॉइंटर व स्केल के माध्यम से रीड किया जाता है। और हम क्या करेंगे,
पॉइंटर और स्केल के माध्यम से उसे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पॉइंटर किसका बना होता है, ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है कि पॉइंटर किसका बना होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो पॉइंटर होता है हमेशा एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इसमें टॉपिक त्रुटि, ठीक है। तो हेडिंग डालिए त्रुटि, त्रुटि यानी एरर, ठीक है। त्रुटि क्या होती है, जिससे आपने क्या किया, कोई भी मान मापा, ठीक है, और आपका जो मानक है तो उन दोनों में जो अंतर आता है वो ही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। तो यानी त्रुटि एरर इक्वल टू क्या होता है, मापित मान, मापित मान माइनस सत्य मान, माइनस क्या होगा, सत्य मान, ठीक है ना, मापित मान माइनस सत्य मान। जैसे मैं मापित मान को यहां पर ए एम, एम का मतलब मेजर्ड, ठीक है, तो ए एम माइनस ए टी लिख सकता हूं, ट्रू वैल्यू, और यहां पर एरर को डेल ऑफ ए से प्रदर्शित कर देता हूं। तो इसे आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रुटि के इक्वल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, मापित मान माइनस सत्य मान होता है। अब देखिए यहां पर देखते हैं कि त्रुटि धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं कि त्रुटि धनात्मक होती है या ऋणात्मक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई एक मशीन है, क्या है, एक मशीन है, ठीक, इस मशीन की प्लेट पर लिखा गया है कि इसकी जो स्पीड है, ट्रू वैल्यू है, वो है 1000 आरपीएम, क्या है, 1000 आरपीएम है, ठीक है। तो मशीन की प्लेट पर लिखा गया है कि इस मशीन की स्पीड क्या है, 1000 आरपीएम है, तो ये क्या है, इसका सत्य मान है। अब आपने क्या किया, टैकोमीटर से दो अलग अलग रीडिंग ली, पहली बार रीडिंग ली तो आपका मापित मान आया 900 आरपीएम, ठीक है, और दूसरी बार आपने क्या किया कि टैकोमीटर से रीडिंग ली तो आपका मापित मान आया 1100 आरपीएम, कितना आया, 1100 आरपीएम। तो अब बताइए त्रुटि धनात्मक होगी या ऋणात्मक। तो हम वैल्यू रखते हैं पहले फर्स्ट फिर सेकंड, तो पहले त्रुटि लेते हैं, डेल ऑफ ए बराबर मापित मान माइनस सत्य मान, पहले रीडिंग कितनी आई है, 900 माइनस 1000 यानी माइनस का कितना आ गया, 100 आरपीएम आ गया, माइनस का क्या आ चुका है, 100 आरपीएम। अब देखिए सेकंड लेते हैं, डेल ऑफ ए इक्वल टू ए मापित मान माइनस ए सत्य मान, तो मापित मान कितना है आपका सेकंड का, 1100 आरपीएम, तो 1100 माइनस 1000 यानी कितना आ गया, प्लस का 100 आरपीएम आ चुका है। तो यहां से आपको ज्ञात होता है कि त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि त्रुटि धनात्मक व ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है त्रुटि धनात्मक भी हो सकती है
और क्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपने इस एग्जाम्पल में, ठीक है, एक मशीन का एग्जाम्पल लिया है और इसमें आपने देखा कि यदि मापित मान कम होता है सत्य मान से तो त्रुटि क्या हो रही है, ऋणात्मक, और यदि मापित मान अधिक होता है सत्य मान से तो त्रुटि क्या आती है, धनात्मक। अब हम चाहेंगे कि त्रुटि क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। त्रुटि शून्य होने के लिए आपको क्या करना होगा कि मापित मान में या तो कुछ जोड़ना होगा या कुछ क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि करेक्शन फैक्टर क्या होता है, कि मापित मान में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे त्रुटि क्या हो जाए, आपकी शून्य हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, करेक्शन फैक्टर कहलाता है। तो यहां पर बात करते हैं करेक्शन फैक्टर की, ठीक है। अब देखिए करेक्शन फैक्टर, ठीक है, करेक्शन फैक्टर CF, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि मापित मान में कुछ जोड़ा या घटाया जाए जिससे त्रुटि शून्य हो जाए तो वह मान क्या कहलाता है, करेक्शन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, करेक्शन फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा, करेक्शन फैक्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना है करेक्शन फैक्टर त्रुटि का हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। अभी हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एमीटर है, इसका सत्य मान आपको दिया गया है 10 एम्पियर। कितना दिया गया है, 10 एम्पियर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका मापित मान आपने लिया कि 9.5 एम्पियर। क्या लिया, 9.5। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, त्रुटि। तो डेल ऑफ ए बराबर क्या होगा, मापित मान माइनस सत्य मान। तो मापित मान क्या है आपका, 9.5 माइनस 10, यानी माइनस का 0.5 एम्पियर क्या आ चुकी है इसमें, त्रुटि, ठीक है। अब देखिए यहां पर करेक्शन फैक्टर मैंने क्या बताया कि मापित मान में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे त्रुटि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो अब देखिए मापित मान में क्या जोड़ना होगा, मापित मान में आपको यहां पर 0.5 जोड़ोगे तभी क्या होगा, सत्य मान के बराबर होगा, जिससे त्रुटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहां पर इस फॉर्मूला में आप ये वैल्यू रखोगे तो प्लस का क्या जाएगा, 0.5। तो यहां से करेक्शन फैक्टर बराबर क्या गया, माइनस एरर कितनी आई है, 0.5। तो आपका टोटल कितना आ गया, प्लस 0.5 एम्पियर क्या आ चुका है, करेक्शन फैक्टर। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, करेक्शन फैक्टर भी निकाल सकते हो। तो यहां पर नोट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, नोट पॉइंट, ठीक है। नोट पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि यदि मापित मान अधिक होता है किससे, सत्य मान से। क्या है, मापित मान अधिक होता है किससे, सत्य मान से, तो हमेशा जो त्रुटि होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। त्रुटि क्या होगी, धनात्मक।
जबकि करेक्शन फैक्टर आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यदि मापित मान कम होता है किससे, सत्य मान से, ठीक है, तो त्रुटि यहां पर क्या होगी बताइए, ऋणात्मक होगी, तो करेक्शन फैक्टर क्या होगा, धनात्मक होगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है, इन दोनों पॉइंट के बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा हमने यहां पर एक एमीटर का एग्जाम्पल लिया, यहां पे हमने क्या किया था कि आपका सत्य मान 10 एम्पियर लिया था और मापित मान कितना लिया था, 9.5। तो इस एग्जाम्पल से देखिए कि यहां पर आपका मापित मान है वो कम है किससे, सत्य मान से। तो यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, मापित मान कम है किससे, सत्य मान से, तो त्रुटि क्या आएगी, ऋणात्मक। तो यहाँ पर त्रुटि क्या आई है, ऋणात्मक। करेक्शन फैक्टर क्या आना चाहिए, धनात्मक। तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रतिशत त्रुटि। अब हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी क्वालिटी हमेशा प्रतिशत त्रुटि पर निर्भर करती है कि उस उपकरण में कितना प्रतिशत त्रुटि है। और हमेशा त्रुटि ज्ञात किसके आधार पर की जाती है, सत्य मान। और ये सत्य मान कौन निर्धारित करता है, ये हमेशा उपकरण को जो निर्मित करने वाली कंपनी होती है वो ही क्या करती है, इसका निर्धारण करती है। ठीक है, तो यहां पर प्रतिशत त्रुटि के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं प्रतिशत त्रुटि यानी एरर। तो ध्यान में रखना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है, प्रतिशत त्रुटि पर। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि उपकरण की गुणवत्ता प्रतिशत त्रुटि पर निर्भर करती है, तथा प्रतिशत त्रुटि का निर्धारण सत्य मान के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, सत्य मान के आधार पर किया जाता है। जैसे हमने त्रुटि देखी थी, डेल ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए मापित माइनस ए क्या होता है, सत्य। अब यदि आप इसे प्रतिशत त्रुटि में ज्ञात करना चाहोगे तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि प्रतिशत त्रुटि का निर्धारण सत्य मान के आधार पर किया जाता है। तो यहां पर हम भाग किसका देंगे, सत्य मान। और प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत गुणा क्या हो गया आपका, 100। ठीक है, तो आप इसे भाग दीजिए, ए मापित बटे ए सत्य माइनस एक गुणा क्या हो गया, 100 हो चुका है। तो ये फॉर्मूला भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है यदि आपको क्या निकालना हो, प्रतिशत त्रुटि निकालना हो। इसके बाद आता है आपका जी ए ई। ठीक है, तो जी ए ई देखते हैं। जी ए ई का मतलब होता है ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर। ठीक है, अब इसमें ध्यान में रखना है कि जिस भी उपकरण को कोई भी कंपनी निर्मित करती है वो गारंटी लेती है कि इस उपकरण में आपकी त्रुटि कितनी होगी। ठीक है ना,
या शुद्धता कितनी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी उपकरण खरीदा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने वोल्ट मीटर खरीदा एक मार्केट से, इस वोल्ट मीटर के ऊपर लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 1%। क्या लिखा हुआ है? 100 प्लस माइनस 1%। तो ये 1% क्या है? GAE है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, यानी निर्माता कंपनी ने इस उपकरण में त्रुटि निर्धारित कर दी है कि फुल मान पर ये उपकरण 1% त्रुटि देगा। क्या देगा? 1% त्रुटि। तो अब इसकी त्रुटि निकालिए, GAE वैल्यू निकालोगे तो देखो 1% है तो नीचे 100 और मान कितना है फुल 100, तो यानी कितना मान आएगा? 1। कितना आएगा मान? 1। तो कहने का मतलब ये उपकरण, ये वोल्ट मीटर या तो 100 प्लस माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, या तो 101 वोल्ट प्रदर्शित करेगा अधिकतम मान, और या 99 वोल्ट प्रदर्शित करेगा। ये मतलब होता है किसका? GAE का। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपके घरों में जितने भी उपकरण हैं या आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उस पर लिखा होगा शायद कि 230 प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या हो सकता है कि 230 का 5% वोल्टेज या तो अधिक हो सकता है, मापन कर सकता है, या कम कर सकता है। तो ये हमेशा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? निर्माता कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इससे संबंधित आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये मान जो ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर होती है, ये निर्माता कंपनी द्वारा फुल वैल्यू पर, अधिकतम ये 100 वोल्ट मापन कर रहा है तो ये 100 वोल्ट पर इसका मान दे रहा है, ठीक है ना। कितने पे दे रहा है? 100 वोल्ट पे 1% दे रहा है। अब यदि आप बीच में बोलोगे कि 50 वोल्ट पर कितनी होगी, कितनी होगी? 50 वोल्ट पर। तो आपको 50 वोल्ट पर इसमें त्रुटि निकालनी हो, इसमें निकालनी हो 50 वोल्ट पे, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रीडिंग गुणा एक्स बटे 100 बराबर GAE वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्या है? फुल मान पर 1% है, यानी वोल्ट मीटर अधिकतम 100 वोल्ट का मापन कर सकता है, उस पर 1% दे रहा है। उसका 1% का मतलब या तो 99 वोल्ट तक मापन कर सकता है या 101 तक कर सकता है, ठीक है। अब इसने पूछ लिया है कि ये तो 100 वोल्ट पर है, अब मुझे बताइए कि 50 वोल्ट पर कितना होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है, यहां पे क्या रखेंगे? 50 गुणा एक्स बटे 100 बराबर, ये वैल्यू क्या आई थी? 1, तो इसको काटिए 2, तो एक्स बराबर कितना होगा? 2% हो जाएगी। एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहां पर? 2%। अब आपसे पूछा जाए कि 25 पर कितना होगा, कि यदि वोल्ट मीटर जब 25 वोल्ट तक का मापन करता है उस समय इसमें त्रुटि कितना होगी। तो यहां पे कितना रखोगे? 25 गुणा एक्स बटे 100 बराबर क्या होगा? 1, तो 25 से 4 बार जाएगा तो x बराबर कितना आ गया? 4% आ गया। x बराबर कितना आ चुका है? 4%। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका क्या था? स्केल था 0 से 100 वोल्ट, यहां पे 50 वोल्ट, यहां पर 25 वोल्ट, ठीक है, यहां पर 75 वोल्ट, यहां पर, ठीक है। तो हमेशा देखिए कि 100 पर तो ये क्या दे रहा है? प्लस माइनस 1% त्रुटि दे रहा है उपकरण, है ना। 50 पे कितना दे रहा है? प्लस माइनस 2%, ठीक है, और यहां पर कितना दे रहा था? 4%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका पॉइंटर शून्य से फुल मान की ओर जाता है,
तो हमेशा त्रुटि क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि फुल मान पर हमेशा इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि न्यूनतम रहेगी और शून्य के पास में अधिकतम त्रुटि विद्यमान रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर गणनाएं करके देख लिया है कि शून्य से फुल मान की ओर जब पॉइंटर जाएगा तो हमेशा त्रुटि कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो जी ए त्रुटि होती है इसे हम नियत त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियत त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमने अलग अलग वैल्यू पर लिए हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं वेरिएबल एरर। क्या बोलते हैं? वेरिएबल एरर। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक त्रुटि का। तो कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।